किसान के सच्चे हित ऐसी कोई हैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किसान आंदोलन किसानों के हितैषी हम हैं, हम दोहरी बात नहीं करते। विपक्ष का चेहरा साफ है, वह किसानों के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं। 70 वर्षों तक क्या कर रहे थे राहुल जी? हमको जब से मौका मिला है हम तब से इस कृषि प्रधान देश में कृषकों के हित पर चलते हैं। जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को मतलब उन लोगों को अच्छा जवाब भी मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। देश भर में कृषि कानून को लेकर के किसान सड़क पे हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन किसान के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है और विपक्ष की भी मांग है कि जल्द से जल्द कानून को रद्द किया जाए। हमारे साथ है बीजेपी के MLC संजय मयूख, इनसे जानेंगे कि क्या सरकार झुकेगी या फिर किसान की घर वापसी होगी सड़क से। सर, जिस तरीके से किसान सड़क पे हैं, पूरा विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नज़र आ रहा है, कह रहे ये विपक्ष की सरकार को झुक जाना चाहिए, कानून को वापस ले लेना चाहिए। हम तो विपक्ष से बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इसमें राजनीति करना चाह रही है। हम तो किसान भाइयों के साथ हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सरकार तो निरंतर वार्ता के लिए आमंत्रित कर रही है, लगातार वार्ता कर रही है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका निदान हो, लेकिन इसके किसी भी राजनीतिकरण का हम कहीं से समर्थन नहीं करते। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान के सच्चे हित ऐसी कोई हैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हम हर विषय पर बात करने को तैयार हैं। हमारे माननीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लगातार कहा है कि हम हर विषय पर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन क्या आंदोलन में उन लोगों की तस्वीर लगनी चाहिए? किसकी रिहाई की बात? किसानों की रिहाई की बात नहीं? पोस्टर जिन लोगों ने, जो विपक्ष आज जुमले बाँट रही है, उस विपक्ष से हम पूछना चाहते हैं, शर्जिल इमाम के मामले में क्यों किसान आंदोलन में आप डाल रहे हैं? किसान आंदोलन किसानों के हितैषी हम हैं, हम दोहरी बात नहीं करते, हम दोहरा मानदंड नहीं रखते, हम एक बात पे रहते हैं और एक बात में रहने में हम केवल किसानों का हित सोचते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है इसको जानने की हमको ज़रूरत नहीं है। विपक्ष का चेहरा साफ है, वह किसानों के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं। हम किसानों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, दोनों में खासा फर्क है। सर, लेकिन आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग किसान के साथ हैं, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप कॉरपोरेट के सरकार चला रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों के समर्थन से ही हमारी सरकार बनी है। किसान भाइयों ने स्पष्ट जनादेश दिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री को, उसी से सरकार बनी है। तो जो लोग कॉरपोरेट की बातें कर रहे हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास में भरोसा रखते हैं। मेरा आग्रह होगा युवराजों से, मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी से, अखिलेश यादव जी से, इस पर राजनीति मत करिए। सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले कि पूरे देश भर में पंजाब के किसान का सबसे ऊपर है और सबसे नीचे बिहार है। तो राहुल गांधी का कहना है कि सरकार चाहती है कि सभी किसानों का आय बिहार के किसानों जैसा हो जाए। 70 वर्षों तक क्या कर रहे थे राहुल जी? हमको जब से मौका मिला है हम तब से इस कृषि प्रधान देश में कृषकों के हित पर चलते हैं, और आप 70 वर्षों तक अहित किया है। आपने किसानों के भविष्य पर कुंडली मार के बैठा है, तो वैसी स्थिति हम नहीं लाना चाहते। हम तो किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं और उनकी खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष सड़क पे लगातार बंदी कर रही है सर, सड़क सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं बिहार के विपक्ष भी। नहीं, बिहार के विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वह क्यों राजनीति करना चाहती है? किसान हित की बात यदि चाहती है तो हम किसानों के साथ वार्ता कर रहे हैं, वो चिंता न करें, क्योंकि उनके चिंता करने का दौर जनता ने ही समाप्त कर दिया है। चिंता करना हमारा काम है और हम पूरी तरह से संवेदनशील होकर किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। एक अंतिम प्रश्न है सर कि क्या हल निकलेगा कुछ? क्या किसानों से वार्ता जारी रहेगी, क्योंकि वार्ता टूट गई है, 5 दौर की वार्ता हुई, उसके बाद वार्ता नहीं? वार्ता जारी रहेगी और वार्ता का सुपरिणाम भी सामने आएगा, अच्छे निदान भी सामने आएंगे। जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को मतलब उन लोगों को अच्छा जवाब भी मिलेगा। यानी कि किसान भाइयों के साथ न्याय होगा?
निश्चित न्याय होगा। हम न्याय के साथ हैं, हम विकास के साथ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।